नमस्कार जी, आप सभी का एजुकेशन नॉलेज टीवी पे मैं देवपाल हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET 2020 स्पेशल हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। TGT PGT PRT इस बार सब पार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा पार्ट नंबर 15 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यमुनानगर का पुराना नाम क्या है। हरियाणा के यमुनानगर जिले का पुराना नाम क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर हरियाणा के यमुनानगर शहर का पुराना नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा में गैस आधारित विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है, और ये लगा भी जा चुकी है भाई, तो ये कौन सा ज़िला था। ये फरीदाबाद है जिसमें गैस आधारित विद्युत परियोजना लगाई गई है। हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार कहाँ मिले हैं, तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मिले हैं, तो यह क्षेत्र पिंजौर में है और यह है कालका में मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा का कौन सा नगर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो साइबर सिटी के नाम से हरियाणा का गुड़गांव, जिसे अब नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है, वह जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई भाई स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो यह शुरू हुई थी वर्ष 2015 में 12 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पे स्थित है। तो हरियाणा में गुजरी महल हिसार ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया भाई। राइट आंसर जी इसका प्रशांत भारद्वाज जी को, प्रशांत भारद्वाज जी को अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैफेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। हैफेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका हरविंद्र कल्याण को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया भाई, आचार्य देवदत्त को, देवव्रत को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हरियाणा अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता दुग्गल। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा का कौन सा मुक्केबाज हाल ही में पेशेवर बॉक्सर बन गया, तो कौन सा बना भाई, ये बना था विजेंद्र सिंह, जो पहले मुक्केबाज था अब यह बॉक्सर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा सिग्ज एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो यह एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था भाई, यह हुआ था वर्ष 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दिल्ली म्यूजियम में रखे मोहम्मद तुगलक के किस वर्ष लिखे अभिलेख को हरियाणा नाम का पहली बार उल्लेख किया गया था, तो यह किया गया था भाई 1328 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा के किन किन जिलों में सर्वप्रथम मनरेगा वर्ष 2006 में लागू किया गया, तो कहाँ पे किया गया था भाई, ये सिरसा और महेंद्रगढ़ में सबसे पहले मनरेगा लागू किया गया हरियाणा के जिले में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, हरियाणा में किस स्थान पर 5 एकड़ भूमि पर साहसिक क्षेत्र की बड़ी तैयारी की जाएगी, अकादमी की तैयारी की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी भैया, मोरनी पंचकुला में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, मोरनी हिल्स का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो यह चीड़ का वृक्ष है भाई, जो कि वहाँ पर प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो
बड़खल झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी वर्ष 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुखना झील कहाँ पर स्थित है? सुखना झील हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो यह है भाई चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन किसने बनवाया था? जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है वह किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका, नेक चंद सैनी ने यह गार्डन बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे फ्रांस के श्रीली कार्बूजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया था? भारत का पहला चल न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया था? जो यह किया गया था भाई मेवात में किया गया था 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा में राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? तो यह है भाई गुरुग्राम में है राज्य शिक्षा अनुसंधान और शिक्षण परिषद SIERT। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बुद्धो माता का मेला कहाँ लगता है? बुद्धो माता का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? तो ये गुरुग्राम में लगता है मुकारपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? बहुत प्रसिद्ध झील है बड़खल झील, इसका निर्माण कब हुआ था? राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1947 ईस्वी में इस झील का निर्माण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है? लड़के के विवाह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये है भाई खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्वार किसने बनवाया? तो ये बनवाया था भाई राजा नूरकर्ण ने। जो चामुंडा देवी का मंदिर है नारनौल में, यह है राजा नूरकर्ण ने बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था भाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जागीरदार शाहकुली खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? तो यह करवाया था नारनौल में भाई, नारनौल में जल महल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता था? तो कौन सा है भाई? यह है राय बहादुर लाल मुरलीधर को ग्रैंड मोल मैन ऑफ पंजाब कहा जाता था। तो दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 15 के। आपको कैसे लगी शिक्षा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।